हरिओम सब साधक भाई को मेरा विनम्र प्रणाम है। मैं अजीत कुमार पात्र हूँ, उड़ीसा का एक छोटा सा गांव से आया हूँ। 1998 की बात है जो बापू जी पहली बार उड़ीसा ब्रह्मपुर में आए थे, और मेरे पापा ऐसा हुआ कि बापू जी का सत्संग में जाने के उनको प्रेरणा मिले तो पापा गए थे। वो 2 दिन सत्संग सुने और पापा उसी वक्त वो दीक्षा ले लिए थे। तो फिर पापा ने मेरे को बोला कि ये जाओ तुम जाके देख के आ जाओ कि कैसा है। तो मुझे लगा कि ठीक है कोई संत होगा उसमें हमको क्या लेना देना। तो मैंने गया ऐसे दूर से बापू जी को देखा और खड़ा रहा, और जब लड्डू का प्रसाद मिल रहा था प्रसाद लेके वापस आ गया, है ना। वो प्रसाद मैंने खाया और प्रसाद में बापू जी का ये इतना आशीर्वाद था कि मेरा पापा में घर घर को आने वाले मेरे बोले तुम काम कर, तेरे को जो भी भगवान अच्छा लगे उस भगवान का नाम एक माला लेके चालू कर जब चालू कर। तो मैंने 3 साल तक कंटिन्यू किया। उसके बाद 2003 में बापू जी पूरी आए थे, तब मैंने पापा ने सोचा कि इसको दीक्षा देना है। लेकिन वो कंफ्यूज थे कि इसको अभी से दीक्षा देने से आपका उसका जिंदगी है तो वो क्या होगा, आश्रम अलग हो जाएगा। देन ही वाज कंफ्यूज, तो उन्होंने बोला कि तुम आ जा उसको देखते हैं, तो दीक्षा लेना है कि नहीं वो देखते हैं। फिर मैंने जब पूरी में पहुंचा तो उसी दिन मैं 7:55 को पहुंचा, तो 8 बजे के करीब 8 या 5 के करीब दीक्षा प्रोग्राम चालू होने था। तो आई वॉज कन्फ्यूज कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं। उसी एट दैट मोमेंट मेरे को जब मन में ऐसा है, पापा मेरे को आए दिखाए कि बोला पीछे वो आश्रम का जो माला मिल रहा है वहां लेके आओ और बैठ जाओ, बस उन्होंने बोल के कहाँ भागे उन्हें पता नहीं चला। तो मैंने दौड़ दौड़ के जाके माला लेके आया, और जब अंदर घुसा तभी डोर क्लोज हुआ। मैंने बापू की कृपा से उस दिन मैंने दीक्षा लिया और माला जपते जपते ऐसा 2-3 साल के बाद ऐसा हुआ कि मैंने जो भी नॉनवेज खा रहा था मेरा प्रिय था वो कब छूट गया मेरे को पता नहीं चला। आज से करीब 6-7 साल हो गया मैंने कभी छुआ भी नहीं, और मेरे को मन भी नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है ये बापू जी का प्रेरणा और कृपा के बिना मैं कभी ये हो नहीं सकता था। और दूसरी एक बात बोलूँ कि उसके बाद जब से मैं ज़्यादा नियम करने लगा उसके बाद प्रेरणा हुई कि ऋषि प्रसाद का भी सेवा करूँ। तो बापू जी का प्रेरणा से भुवनेश्वर आश्रम को बापू जी ने बोला कि तुम उड़िया ऋषि प्रसाद का जितना प्रचार कर सकते हो उतना अच्छा है। तो मैंने संकल्प किया था कि 50 ऋषि प्रसाद अपना जो भी फैमिली में जो है सबको मैं बांटूँ। तो मैंने सारे लोगों का एड्रेस लेके आया और सबको भेजा कि ऋषि प्रसाद जाए। तो मेरे गांव में जितने भी सारे थे जो भी थोड़ा बहुत धर्म प्रिय थे उनको अच्छा लगा, और वो मेरे को बोले कि यार मेरे को अभी आजीवन ऋषि प्रसाद का मेंबर बनना है। तो मेरे को कभी ये भी हुआ नहीं था कि ये लोग इतना चेंज हो जाएंगे। और इसके साथ और एक बोलूँ, जब 50 जन्म में मैंने अपना गलती से मेरा चाचा का नाम डाल दिया था। मैं चाचा का थोड़ा हिस्ट्री बोलूँ तो ऐसा है कि घर में गाँव में जब भी जहाँ पे भी कुछ अच्छा काम हो उसको बिगाड़ने में माहिर था। जैसे किसी का शादी हो रहे वो तोड़ देते थे, पान खाना, सिगरेट खाना, दारू पीना, यू कैन नॉट आई मीन कुछ भी करते थे। और मुझे कभी नहीं लगा ये बंदा कभी सुधर सकता है। मैं बोला आई कैन बेट ऑन एनी वन, कोई भी चेंज है, लेकिन ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। मैंने बोला चलो बापू जी का ऋषि प्रसाद है, चलो भेज देते हैं, आप उसका कर्म जाने बापू जी जाने। तो उन्होंने पहला ऋषि प्रसाद जब पढ़ा, 1 महीना पढ़ा उसको डिटेल, दूसरे महीना पढ़ा, ऐसा पढ़ते पढ़ते उनको इतना प्रयोग है। अभी मेरे को बोले कि तू कब आ रहा है यूएसए, आने के बाद मेरे को पहला करते बापू जी के पास जाना, उनका दीक्षा लेना, वही मेरा जीवन का मकसद रहा है। और वो भी अभी आजीवन मेंबर हो गए। और जब उन्होंने ये उनमें परिवर्तन देखा मुझे लगा ये बापू जी की कृपा बिना हो ही नहीं सकता।